साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई रिंकू 95। आज कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से एक ट्वीट वायरल हो रहा था मैथ्स और इंग्लिश के पदों को लेकर के, क्या वो न्यूज़ सही है, और पद वृद्धि को लेकर के और थर्ड ग्रेड परिणाम को लेकर के। साथियों बात की जाती है सबसे पहले कि जो लेवल टू में जो मैथ साइंस के अंतर्गत और इंग्लिश के अंतर्गत ये चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे और ट्विटर पर ये काफ़ी वायरल भी हो रहा था और ग्रुपों में वायरल हो रहा था। बोल रहे हैं कि इनके पद काटे जाएंगे, इसी कारण लेवल टू का रिजल्ट जो लेट हो रहा है। साथियों ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। आप ऐसी बातों पर, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ट्विटर अकाउंट होता है ये सबसे फर्जी अकाउंट है, क्योंकि इसमें चाहे जो ही ट्वीट कर देता है, मन में आए ट्वीट कर दिया, कोई रोबर आकर नहीं है उसका, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई भी परिणाम जारी कर सकता है, कोई भी अकाउंट बता सकता है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वही डाल देता है। आजकल सिस्टम ये हो चुका है, एक छोटा बच्चा भी कटऑफ बता रहा है, एक छोटा बच्चा भी परिणाम की डेट दे रहा है कि परिणाम उस तारीख को आएगा, जबकि अब यह पता नहीं है कि वो किस आधार पर बता रहा है। लेकिन साथियों मेरा तो मानना है कि जिस प्रकार से ट्विटर अकाउंट होता है और एक टेलीग्राम होता है मीडिया से संबंधित, हम मानते हैं कि ये एक जुड़ता लाते हैं, एक मंच पर कार्य भी करवाते हैं और सरकार में बात भी पहुंचाते हैं इसके माध्यम से, लेकिन यहाँ एक झूठी अफवाह भी काफ़ी फैलती है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये आईडी गर्ल्स की है बॉयज़ की है, ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेगा, चाहे बीसी चल रही हो चाहे मैसेज कर रहे हो, जब तक उनकी आप आवाज़ नहीं सुन पाओगे, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाओगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये लड़का है या लड़की, ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि लड़की लड़का की आईडी से नाम रखते हैं और लड़के लड़की की आईडी से नाम रखते हैं, ये अधिकतर प्रचलन में चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे बात की जाती है साथियों थर्ड ग्रेड परिणाम को लेकर के और पद वृद्धि को लेकर के। साथियों थर्ड ग्रेड का परिणाम, जिस प्रकार से चेयरमैन साहब हरिप्रसाद शर्मा जी का बयान था, क्योंकि वहां पर अपने एजुकेशन चौक ललित जी वर्मा गए थे और उन्होंने बातचीत की थी कि परिणाम को लेकर के, कि परिणाम आपका 15 जून तक आ जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने न्यूज दी थी कि 15 जून तक आपका परिणाम आ जाएगा। तो साथियों तब तक हम वेट कर लेंगे, जब हमने लगभग 2-3 महीने 25 फरवरी को एग्जाम दी थी, 25 से 1 मार्च तक एग्जाम चली थी, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया और मई भी हाफ है, लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया, 2.5 महीने हो गया। तो साथियों आप देख सकते हो कि जब हमने इतना इंतज़ार कर लिया तो 15 दिन इंतज़ार और कर सकते हैं, 15 दिन इंतज़ार और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों टेंशन होती है मन में बहुत टेंशन होती है, सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि परिणाम जल्दी जारी किया जाए। लेकिन कल भी एक मैसेज आया था, जिस प्रकार से अपने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने जो ट्वीट किया था कि आपत्तियाँ बहुत हैं, छोटी मोटी आपत्ति नहीं है, जिस प्रकार से इनको हल किया जाए बहुत ही ऑथेंटिक आपत्ति हैं, इसलिए उनको सोच समझ करके उनका विश्लेषण करके तभी रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आती है बात पद वृद्धि के लिए करते। साथियों एक अकेला चना भार नहीं फूट सकता, 50 आदमी 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड ग्रेड आप पद चाहते हो 60,000, 12,000 बढ़वाना पद चाहते हो, लेकिन कितने लोग वहां पर पहुंचे थे? सबसे पहले आपके आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, आपका जवाब है कि वहां पर कितने लोग पहुंचे थे? मात्र 200-250-300 के लगभग पहुंचे थे और आप पद चाह रहे हो 60,000। तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं स्पष्ट बोल देता हूं। अगर आपके मन में है पद बढ़वाना तो साथियों भीड़ जरूर दिखानी पड़ेगी आपको, संख्या बल दिखाना पड़ेगा, अन्यथा इस मुहिम को यही बंद कर दिया जाए, मेरा तो ये मानना है। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो वहां पर 1, 2, 5, 10, 15 कुछ नहीं होगा, ये रियल बात है, लेकिन आप लोग घरों से निकलते नहीं हैं, आप सिर्फ मैसेज करवा लो कि भाई हमें 60,000 पद चाहिए, 60,000 पर बोलो कुछ, अरे दोस्त 60,000 पर ही तो बोल रहे हैं हम, जिस प्रकार से वहां पर बुलाया जाता है
आपको बुलावा आता है तो आपको भी वहाँ जाना चाहिए। आपके भाई वहाँ मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं। अब एक रणनीति तैयार की थी कि एक मोबाइल नंबर जारी किया था और उसमें लगभग 500 कैंडिडेटों के बोला था कि आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और वो लिस्ट हो सकता है कि आज वो पूर्ण हो जाएगी, आज पूर्ण हो जाएगी, जिसमें एक नंबर भी दिया था आप सबको पता है और आप टेलीग्राम ग्रुप भी देख सकते हो अध्यापक भर्ती पद 60,000 पर जाकर के। तो साथियों अभी तक आपने उस पर मैसेज नहीं किया है तो आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि उस मैसेज से फ़ायदा क्या है, सबके मन में ये भी डाउट है कि उस मैसेज से फ़ायदा क्या। मैसेज से फ़ायदा है साथियों, जिस तारीख को आपको डेट अनाउंस की जाएगी कि आपको इस तारीख को आना है, उसी दिन उसी रात और उसी समय 500 के साथ एक साथ मैसेज छोड़ दिया जाएगा, अलर्ट कर दिया जाएगा, उनको चेतावनी दे दी जाएगी कि आपको आना है। और आपके जो साथ में हैं लगभग 2 से 3 विद्यार्थी आपको साथ में भी लाने हैं। अगर माना कि एक स्टूडेंट 2-2 ले आता है तो साथियों एक खुद है 2 और ला रहा है तो 1500 स्टूडेंट हो गए। तो 1500 स्टूडेंट अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पद 60,000 जेब में लेके चले जाना, आपके पद भी 60,000 जेब में लेके चले जाना पॉकेट मनी द्वारा कि हमारे पद बढ़ चुके हैं, हमें खुशखबरी मिल चुकी है, लेकिन आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। और साथियों आप ग्रुप में जुड़े हुए हो, BC सुनते हो और उसकी हलचल भी देखते हो, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें आप सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपको भाई रिंकू 95।